अस्पतालों देखिए, कई बार से हम ये बात उठा रहे थे कि जो अस्पताल है उसके अंदर डॉक्टरों की कमी है, स्पेशलिस्ट की कमी है, और जो नए अस्पताल बन रहे हैं उनके लिए पोस्ट क्रिएट भी नहीं हुई है। पहले पोस्ट क्रिएट होंगी, फिर जाके उनकी भर्ती के लिए यूपीएससी को लिखा जाएगा, और यूपीएससी भी डॉक्टर और स्पेशलिस्ट की भर्ती में कम से कम 2 साल लगाते हैं। तो आज ये फैसला हुआ है कि जो अस्पताल अब आने वाले 1 या 2 साल के अंदर तैयार हो रहे हैं उन अस्पतालों के लिए पोस्ट क्रिएशन का काम आने वाले 1 हफ्ते के अंदर पूरा किया जाएगा, ये फैसला हुआ है। और फिर उसके बाद वो फाइल जो है एआर सर्विसेज फाइनेंस से होती हुई एलजी साहब के पास जाएगी, वो पोस्ट क्रिएट होगी, फिर उसको यूपीएससी के अंदर जो है भेजा जाएगा ताकि यूपीएससी के अंदर जो है उन डॉक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो और फिर डॉक्टरों की भर्ती होगी। कितनी रिक्तियां हैं सर और कितने समय में लगभग पूरी कर ली? देखिए, अभी सारी रिक्तियों की बात नहीं की है, अभी ये बात की है कि आने वाले 1 या 2 साल के अंदर जो अस्पताल बनके तैयार हो रहे हैं उनकी जितनी रिक्तियां हैं उनकी पोस्ट सबसे पहले क्रिएट की जाए, नोटिफाई की जाए, और उसके बाद उसको यूपीएससी को भेजा जाए कि उसके ऊपर डॉक्टर और स्पेशलिस्ट को, क्योंकि लंबा प्रोसीजर है, लगभग 1.5 से 2 साल लगते हैं इसके अंदर, इसलिए इसको करने का फैसला आज हुआ है। और कोई मीटिंग है सर, के आप पहुंचे थे वहां पर, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, आपकी सहयोगी हैं आतिशी, उन्होंने भी पत्र लिखा है एलजी को। देखिए, बस मार्शल्स के विषय में हमारा बिल्कुल साफ कहना है, बीजेपी वालों के पास जाते हैं वो कहते हैं आम आदमी पार्टी वाले करेंगे, आम आदमी पार्टी के वाले के पास जाते हैं वो कहते हैं एलजी साहब करेंगे। हमने बोला है एलजी साहब हों, बीजेपी के सांसद हों, आम आदमी पार्टी के मंत्री हों, सारे साथ बैठ जाएंगे, आमने सामने बैठ जाएंगे, एक टेबल पे बैठ जाएंगे। जहां पे एलजी साहब कहेंगे कि आप ये लेटर लिख दो मेरे को, ये नोट लिख दो, यहां साइन कर दो, हमारे मंत्री साइन कर देंगे। उन बेचारे गरीब बस मार्शलों की भर्ती बहुत जरूरी है, एक कि वो एक तो गरीब है और बेरोजगार हो गए हैं, पूरे के पूरे परिवार जो है सड़क पे आ गए हैं, और दूसरा महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में मार्शल होना बहुत जरूरी है। ये कहना कि बस में सीसीटीवी लग गया तो मार्शल की जरूरत नहीं, ये गलत है। बस मार्शल से महिलाओं को सुरक्षित महसूस होता था और बस मार्शलों की बहाली होनी चाहिए।